और सिर्फ दो दिनों का इंतजार है यार, उसके बाद तो एक दिन में दो चार वीडियो तो जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उन सब वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लो। दबाओगे ना? Okay. क्योंकि यार नए नए वीडियोस तो मिलेंगे लेकिन उसके साथ साथ डेली आपको इसी तरह से गेमिंग अपडेट वीडियोस भी तो मिलते रहेंगे। तो आज भी हमारे पास भर भर के अपडेट्स है, जैसे कि नया क्रिकेट गेम मोबाइल डिवाइसों के लिए, UGW का नया बीटा, DC डार्क लीजन का भी एक नया बीटा रिलीज हो चुका है, पावर रेंजर का एक नया मोबाइल गेम कारेक स्ट्रीट में आ चुका है 1.3.1 का अपडेट, और इस वीडियो के आखिर में आपको जानने को मिल जाएगा नेट इज के तरफ से भी और एक गेम आने वाला है। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे नए गेम्स के बारे में स्पेशली आज इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा जरूर देखना, कुछ भी अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो डेली गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। तो करना, तो सबसे पहले शुरू करते हैं नए क्रिकेट गेम से। अभी देखा जाए तो इतने सारे ऑप्शन हमारे पास है कि किस गेम को खेले, कौन सा गेम अच्छा होगा, कौन सा गेम को ना खेले, इसी कंफ्यूजन में हम लगे पड़े हैं। लेकिन इस लिस्ट में और एक गेम को आप ऐड कर सकते हो जिसका नाम है चैंपियंस क्रिकेट लीग CCL24। नाम से ही आपको पता चल चुका होगा ये गेम बेसिकली किसके ऊपर होने वाला है, और साथ में IPL का भी मजा इसमें आप ले पाओगे। हालांकि मेरे हिसाब से ग्राफिक्स उतने तो अच्छे नहीं है गेम के जैसे कि हम रियल क्रिकेट 24 में एक्सपीरियंस करते हैं या फिर WCC 3 गेम में, लेकिन उन दोनों को अगर आप अपने डिवाइस में नहीं खेल पाते हो, आपके पास एक डिसेंट सा डिवाइस है तो ये गेम आपके डिवाइस में जरूर चल जाएगा। इस गेम को पब्लिश किए हैं निक्सॉन गेम स्टूडियो, और अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं 4.1 रेटिंग मिल चुका है और गेम को बहुत ही आसानी से 218 MB में डाउनलोड कर पाओगे। आजकल तो यार देखा जाए तो 500 MB के अंदर गेम आना ही बंद हो चुके हैं, तो उसको देखा जाए तो इस गेम का साइज बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एक नए क्रिकेट गेम खेलने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में इस गेम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, वहां से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकोगे। अगर अभी तक भी आप सबने UGW गेम को खेला नहीं है, इनवाइट भी भेजा आपको नहीं गया है, या फिर ये भी हो सकता है इनवाइट तो भेजा गया है लेकिन टाइम के चलते इस गेम को आप खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन इस नए क्लोज बीटा टेस्ट में टाइम का झंझट जो है पूरा खत्म करने वाले हैं। और ऑब्वियसली इस क्लोज बीटा टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास इनवाइट आना जरूरी है। अगर इनवाइट आ चुका है तो इस नए क्लोज बीटा में आप बहुत ही आसानी से पार्टिसिपेट करके खेल पाओगे। जो डेट निकल के आ चुका है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ही, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो, UGW क्लोज बीटा इज बैक एंड इट विल बी बिगर एंड बेटर देन एवर फ्रॉम 30 अप्रैल टू 14 मई। तो लगभग 14 दिनों तक ये क्लोज बीटा टेस्ट चलने वाला है। धनतेरस गेट्स विल बी ओपन 24/7। तो पहले हम जितने भी सारे बीटास इस गेम के खेले थे वो हमें खेलना पड़ता था 6 से लेकर 9 बजे के बीच, लेकिन इस नए क्लोज बीटा टेस्ट में ऐसा झंझट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। कभी भी आप गेम को खोल के इनके सर्वर्स को एक्सेस कर सकोगे, तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली जितने भी सारे गेम प्ले हमारे चैनल पे आपने देखा है इस गेम को लेके वो प्री रिकॉर्डेड होता है, तो शायद हो सकता है जब ये नया क्लोज बीटा टेस्ट आए तो डायरेक्ट हम इस गेम को खेलते हुए आप सभी के साथ एंजॉय करेंगे। तो अगर आप एक्साइटेड हो एक कॉमेंट जरूर कर देना। देखा जाए तो सुपर हीरोज गेम हमारे मोबाइल डिवाइस में उतने अच्छे खासे नहीं आ रहे हैं और आने वाले गेम्स भी शायद उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन DC की तरफ से एक गेम जरूर आने वाला है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस गेम की बात कर रहे हैं उसका नाम है DC डार्क लीजियन, और इस गेम का कुछ कुछ बीटा टेस्ट कुछ कंट्रीज में होता जरूर रहता है लेकिन उसे डाउनलोड करके खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अभी फिलहाल और एक नया बीटा इस गेम का रिलीज हो चुका है UI कंट्री में, तो अगर आप इसे गूगल में जाके सर्च करोगे तो निकल के आएगा यूरो गे। तो फिलहाल इसी कंट्री में इस गेम का नया बीटा रिलीज कर चुके हैं, तो अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो VPN तो यूज करना ही होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इसे एक्सेस करना, लेकिन डाउनलोड करना गेम को बहुत ही ज्यादा इजी है। सिंपली आपको टैप टैप में जाना है, सर्च करना है, तो इस तरह से आपको सर्च रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा जिसका एक्चुअल साइज है 1.06 GB। तो अगर एक बार ट्राई करना चाहते हो कि आपके डिवाइस में चलता है कि नहीं तो जाओ डाउनलोड करो और कमेंट करने जरूर आना कि चला है कि नहीं। समझ रहे हो?
पावर रेंजर्स के कौन नहीं फैन है। अगर उससे रिलेटेड मोबाइल गेम खेलने को मिल जाए तो यार दुगना मजा ही हो जाएगा। बेसिकली पावर रेंजर्स में जो बैकग्राउंड में एक्सप्लोजन होता है वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता था। आपका कौन सा फेवरेट पावर रेंजर का सीरीज है कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इससे रिलेटेड एक नया गेम जरूर प्ले स्टोर पे आने वाला है जिसका नाम है पावर रेंजर माइटी फोर्स। ईस्ट साइड गेम स्टूडियो इस गेम को पब्लिश करने वाले हैं और शायद मुझे लगता है इंडिया में इस गेम को रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो सर्च रिजल्ट पे भी शायद नहीं आएगा। फिर भी हम डिस्क्रिप्शन में इस गेम का लिंक दे चुके हैं, जरूर से जाके एक बार चेक कर लेना। अभी के लिए इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है प्ले स्टोर पे और इसका ऑफिशियल ग्लोबल रिलीज डेट सामने नहीं आया है। और ग्लोबल रिलीज से याद आया, बताना भूल चुके थे, डीसी डार्क लीजियन गेम का भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है ग्लोबल रिलीज डेट को लेके। लेकिन ये जो गेम है यानी पावर रेंजर माइटी फोर्स उतना खास तो आपको नहीं लगेगा। ऑब्वियसली ट्रेलर देख के आपको गेम के बारे में तो पता चल चुका होगा। सिमुलेशन टाइप का आइडल बैटल गेम है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कैसे लड़ रहे हैं, कैसे एक्सप्लोजन हो रहा है और आप अपने कैरेक्टर को अपग्रेड भी कर सकोगे। इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले गेम आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रॉपर एक पावर रेंजर का गेम खेलना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनवे का गेम। ऑब्वियसली काफी सारे दोस्तों को पता होगा। तो फिर से आ चुका है कार एक्सट्रीट गेम में 1.3.1 अपडेट। देखा जाए तो हमारे लिए उतना खास तो यह अपडेट नहीं है क्योंकि नया एक्सपेंशन होने वाला था मैप में, वो तो इस अपडेट में नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे चीजें जो है गेम में ऐड किए हैं और गेम को भी बहुत हद तक चेंज कर दिया गया है। अभी इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस में ये गेम कैसा रन कर रहा है जरूर से कॉमेंट करके बताना। और 4GB का अपडेट तो इनके तरफ से अभी तक नहीं आया है, तो अगर आप इंतजार कर रहे हो कि 4GB रैम डिवाइस में कब ये गेम रिलीज होगा, उसके लिए शायद और 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस नए अपडेट को लेके उन्होंने पैच नोट रिलीज किए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में भी पढ़ पा रहे हो। सिंपल से शॉर्ट में आपको बता देते हैं, एयर कैमरा ऐड हो चुका है जिसे यूज करके और भी अच्छे अच्छे फोटोस आप क्लिक कर पाओगे। साथ में गेम में FPS काउंटर ऑप्शन भी आ चुका है, तो कैसा परफॉर्म कर रहा है आपके डिवाइस में वो भी आप नोटिस कर पाओगे। कार शॉप को रीडिजाइन किया गया है, पेंट जॉब मटेरियल्स को इंप्रूव किए हैं, गेम को बहुत हद तक ऑप्टिमाइज भी किया गया है, जो स्पेशली मुझे नोटिस भी हुआ है इस अपडेट को खेलने के बाद। और साथ में जो भी आप कार्स को ट्यून करते हो, चाहते हो कि यार पहले जैसे ये कार बन जाए, जो स्टॉक इंजन है उसे भी आप पुट कर सकते हो, तो बहुत ही ईजी बना दिए हैं। साथ में जो AI है गेम के, जब भी आप क्लब रेसेस में पार्टिसिपेट करते हो उन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो इसमें बताया गया है और भी ज़्यादा टफ बनाया गया है। पहले तो यार उन्हें हराना ही मुश्किल होता है और ऊपर से ये टफ के ऊपर टफ बनाते जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप सब ने क्लब रेसेस को कंप्लीट कर चुके हैं इस गेम में या फिर नहीं। और लास्ट जो इनके तरफ से 2 नोट शेयर किया गया है जिसमें से गेम्स के बग्स को फिक्स किए हैं और 4 नए स्पेशल ऑफर को भी ऐड किए हैं, जिसमें से पहला आता है स्पीड वॉप, दूसरा है रेट्रो आउटरन, तीसरा है ग्लैडिएटर और आखिर में सोनिक सर्ज। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफी बड़ा अपडेट है और अपडेट करने जा रहे हो तो साइज भी जान लो। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अपडेट करना पड़ेगा इस गेम को 1.59 GB और इन गेम अलग से आपको 1.7 GB डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखा जाए टोटल कुल मिला के 4 GB के आसपास ये अपडेट है, अगर आप कर लेते हो तभी जाके गेम को आप एक्सेस कर पाओगे। और इस वीडियो का आखिरी अपडेट आ रहा है नेट इस के तरफ से। देखा जाए तो आने वाले दिनों में नेट इस के तरफ से बहुत सारे गेम जो है हम अपने मोबाइल डिवाइस में खेल पाएंगे, जिसमें से अभी तो याद नहीं आ रहा है, अगर आपको जानना है तो प्रीवियस अपडेट वीडियो को जाके देख लो, सब कुछ इनके गेम्स के बारे में पता चल जाएगा। तो सीलो जागा कि इस नए ट्वीट को फॉलो करेंगे तो पता चलेगा नेट इसका पावर डाइस नाम का गेम जो है क्लोज बीटा में आ चुका है, जिसे 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक करने वाले हैं, उसके बाद आप इस गेम को एक्सेस नहीं कर पाओगे। साउथ ईस्ट एशिया बताया जा रहा है इस क्लोज बीटा को रिलीज किए हैं, ऑब्वियसली इसे एक्सेस करना लगभग हम सबके लिए नामुमकिन है। और पावर डाइस गेम बेसिकली ब्लॉक बिल्डिंग मैकेनिक्स टाइप का गेम है, कैजुअल कैटेगरी के अंदर आता है, आप अपने दोस्तों के साथ भी इस गेम को खेलते हुए एंजॉय कर पाओगे, सिमिलर यार माइनक्राफ्ट वर्ल्ड जैसा। तो देखते हैं आगे चल के इस गेम का कभी ग्लोबल लॉन्च होता है या फिर नहीं, लेकिन जब भी इसका ग्लोबल लॉन्च होगा इंडिया में तो आने से रहा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस गेम को लेके, ऑब्वियसली आपको पता होगा इस गेम को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है ग्लोबल रिलीज के बाद, समझ रहे हो? नहीं तू समझा नहीं।
तो इसी के साथ आज की इस इंटरेस्टिंग गेमिंग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारे नए गेम्स के बारे में तो आपको जानने को मिला होगा, तो इसी तरह से डेली वीडियोस देखना चाहते हो आपके भाई के स्टाइल में, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हो, जो आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको साइड के लोगो बटन को दबा लेना है, और साथ में वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जाने से पहले। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।